थर्ड स्टैंडर्ड कैसे हैं बच्चे? वंदे मातरम। थर्ड स्टैंडर्ड, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 15-16 देखा। 15 में क्या आपने घर पे प्रैक्टिस की है बच्चों? यस, वेरी गुड। जो मेरे अच्छे बच्चे हैं उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो 1999 99, 100, 101, 102 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आपको रिवाइज करना है और 5 बार लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि 200 के बाद क्या आता है। ओके, 200, 201, 202, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है। फिर यहाँ पे सचिन का दिया है। सचिन कितने सचिन कितना टाइम लेते हैं स्कोर करने के लिए? कितनी उन्होंने सेंचुरी मारी है? हाउ मेनी रन्स डिड ही गेट? ओके, सो दैट यू हैव टू राइट। तो उनको कितने कम पड़ रहे थे सेंचुरी में, वो आपको पेज नंबर 70 तक हमने किया है। अभी हम देखेंगे 18 पे। अभी बहुत ही इजी है बच्चों। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये आपको लिखना है। वाव, हाउ डिड यू डू दैट? बहुत ही इजी है। देखिए, हम लिखेंगे 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। तो बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे। फिर है 110, 100, फिर आएगा यहाँ पे 110 के बाद 11, 110 लेना है ना, तो 120, 130, 140, 150, यहाँ पे 40, 50, 60, 160, फिर 310, तो 320, 330, 340, ऐसे आपको नीचे तक लिखना है। फिर यहाँ पे आएगा 710, 710, क्योंकि 720 फिर आएगा, फिर 730, ये रेंज में आपको रेंज देख के चलना है ताकि गलती आपसे हो नहीं। ओके, तो 730, फिर 740, 750, 760 और 780 आया, 70, फिर 770, 780, 790 और 800, तो अपने आप लास्ट वाला आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ काउंटिंग विद 50s बोला है, तो 550, 250, फिर यहाँ पे है 350 है, तो क्या आएगा 300, फिर 50, फिर 40, फिर 450, 50-50 रुपीस आपको जैसे बढ़ाने हो, ठीक है। फिर यहाँ पे है 550, तो 5, 6, 600,
फिर 650 तो 700, फिर 750 तो 700, तो बच्चों ये आपको लिखना है, हाउ फार यू कैन गो लाइक दिस। यस वी कैन गो टिल 100, 100,000। व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट, हम कौन सा बड़े से नंबर तक आप लिख सकते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो कि मैम मैं 1000 तक लिख सकता हूँ, मैं 5000 तक लिख सकता हूँ, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लोज द नेम्स, कलर द नंबर्स, ओके, सो यू हैव टू कलर द नंबर हियर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कलर कर सकते हो। देखिए, फाइंड द नंबर्स इन द चार्ट, आपको फाइंड दीज नंबर्स इन द अबव चार्ट, कलर देम। 140, ये इसको ग्रीन कलर आप कर लीजिए, ओके, इनको आप करेंगे ग्रीन कलर, पैलेट में से हम लेंगे ग्रीन कलर, ओके, तो ग्रीन कलर आप 140। फिर हैं 202, तो यहाँ पे है 202, तो ये आप ग्रीन में बच्चों कर सकते हो, ये 140, 202, फिर ये हो गया, फिर आप लिख सकते हो 261, ये रहा, इनको आप कलर कीजिए 261। ओके, फिर लिखेंगे 800 कहाँ है, ये है 800, राइट, तो इसको भी आप आराम से कलर कर सकते हो। फिर है 300 प्लस 70 प्लस 4, तो कितना हुआ 374, तो कितना हुआ यहाँ पे 374, कहाँ लिखा है, ये रहा, तो इसको भी आप कलर कर सकते हो 374, ऐसा करके बच्चों आपको कलर करना है। अंडरस्टूड है कि नहीं, इजी बहुत, आज का सेशन तो बड़ा इजी है मैम। फिर आप नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको 44 को जो करना है, 54 को आपको करना है रेड में, ठीक है, रेड कलर आप करेंगे जैसे मैंने अभी बताया आपको। फिर है 60 को भी 60, आप जहां आपको दिखे 60 वो आप कर सकते हो रेड कलर लेके। फिर येलो कलर लेके आप कर सकते हो 445, ये आप येलो कलर में कर सकते हो। येलो कलर कहाँ है, ये येलो कलर है, तो चलो हम ट्राई करते हैं 445, फिर है 16, 16, तो जहाँ भी आपको ये नंबर दिखे बच्चों आपको ये लिखना है 100
59, तो ये भी आप येलो में लिख सकते हो। फिर 685, ये भी आप अच्छे से लिख सकते हो। फिर 690 + 90, तो कितना होगा 690 + 90 करिए, 9, तो 9 हुआ, 99 और ये 6, तो 699, तो जहाँ 699 है वहाँ आपको येलो करना है। फिर ये होगा 1 + 90 + 90 + 1 + 91 + 80 कितने हुए, 1 + 8 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 17 हुए। तो आपको ऐड ऑन करके लिखना है 170, जितना टोटल आता है वो आपको रेड में यहाँ पे करना है 171। ठीक है, समझ में आया? तो आज की एक्टिविटी बड़ी अच्छी थी बच्चों, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो पेज 90 तक हमने किया है, ओके। अब हम आगे देखेंगे कि कितना हम कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आगे का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।